दानिशवर है। वो कहते हैं कि मेरी अहलिया को एक दिन जाना था, तो बड़ी बन सवर के मेरे साथ वो गाड़ी में बैठ गई। कहते हैं जब वो गाड़ी में मेरे साथ बैठी बन सवर के, वो तकाजा करने लगी कि मैंने मतलब बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं पर आपने तवज्जो नहीं कराई। वो सियाना बंदा था, वो चाह रहा था कि मेरी खातून समझ जाए। वो कहते हैं मुझे पता था कि बेचारी मिस गाइड हो गई है, दिल की बड़ी अच्छी है, सियाणी है। तो मेरे साथ गाड़ी में बैठी कहीं जाने के लिए, तो मुझसे कहने लगी कि आपने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की, आपने कोई जिक्र ही नहीं किया कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो कहते हैं मैंने उसे कहा कि अगर तू नाराज ना हो तो फिर मैं सही वाली तारीफ कर दूँ। तो उसने कहा कि आप कर दें। तो कहते हैं मैंने दर्द से और खुलूस से अपनी बीवी से कहा, खुलूस के साथ मैंने कहा मैं तो रोज घर होता हूँ, रोज शाम को घर होता हूँ, अगर तू मेरे लिए तैयार होती तो मैं तेरी तारीफ करता, लेकिन आज तो तू बाहर जाने के लिए तैयार हुई, तो फिर उनसे तारीफ की उम्मीद रख जिनके लिए तूने तैयारी की है। मेरे लिए तैयारी करती तो मैं तो हर शाम तेरे पास होता हूँ। कहते हो मेरे लफ्जों में दर्द था तो वो भी रो पड़ी। कहने लगी आप गाड़ी रोक दें, मुझे बाहर जाके किसी को राजी नहीं करना, मैंने उसे राजी करना है जिसको रब करीम ने मेरा शौहर बनाया और मेरे लिए मुंतखब किया है मेरे माँ बाप को, मैं वापस लौटती।